सलाम मेरे अजीज पंखो, आज ना हमने डिस्कस करना है एक ऐसे शख्स को जिसने पाकिस्तानी अवाम को आगे लगाया हुआ है। सीएसएस पास करके शोबिज में टांग फंसाने के बाद पॉलिटिक्स को गंदी नजरों से देख के टैलेंट शो में जज की कुर्सी पे बैठ के शोबिज को कंफ्यूज नजरों से टाटा बाय बाय करने की कोशिश करने वाले हमजा लिए बासी की। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं यू डिक्शनरी के बारे में, जो कि अब दो नए नवेले फीचर्स लेके आया है। पहला तो यूजफुल फीचर है मैजिक ट्रांसलेट, जो कि वाकई मैजिकल है। इस फीचर को ऐप की सेटिंग्स में जाके ऑन करने के बाद किसी भी सेंटेंस पर सिर्फ अंगूठा फेरने से उसी वक्त फटाफट अपनी मर्जी की लैंग्वेज में किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करो, कॉपी पेस्ट करने की झंझट से आजादी तो मिलेगी। लेकिन दूसरा जबरदस्त फीचर इसमें ऑक्सफोर्ड इनसाइड का है। ये फीचर जो भी ट्रांसलेट करेगा वो उतना ही एक्यूरेट होगा जितना ऑक्सफोर्ड इंग्लिश। तो इसको डाउनलोड करो, डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वापस आते अपने मल्टी टैलेंटेड पाकिस्तानी लड़कियों के कैंडी क्रश की तरफ, जो अपनी ही फिल्मों में मुजरा करवा के मुजरे के अगेंस्ट बोल के वाम को शदीद कंफ्यूजन में डालना इस बंदे की हॉबी है। ये बंदा एक ऐसी खराब टूटी की तरह जिसमें कभी पानी मिक्स होके आता ही नहीं है। या तो इतना गर्म आता है कि आपके हाथ के डीएनए तक जल जाए, या तो इतना ठंडा आता है कि हाथ के पोटे सुनों के नीले नीले हो जाए। ये बंदा हमेशा ही एक्सट्रीम बात करता है। फिल्मों में आइटम नंबर्स के अगेंस्ट बोल के पाकिस्तानियों के नन्हे नन्हे दिल जीतने के बाद इकरा और यासिर की जहरीली चुमियों वाली बेगैरतियों को हदीस से जस्टिफाई करके तमाम उम्मत मुस्लिमा से कलेक्टिव लानत यानी इज्तमाई लानत भी मौसूल की। ये बंदा कॉन्ट्रोवर्सीज ऐसे क्रिएट करते जैसे सनास बकेट का चैनल ठंडी कॉमेडी। ओए, ये स्क्रिप्ट किसने लिखी है? दूर फिटे मुँह तेरे खबीस, सारी बिस्ती खराब कर दी मेरी। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, हाँ प्यारे अफजल में फरा के पीछे जलील होने के बाद मन मायल में मन्नू की तस्बीह पढ़ने के बाद इस मासूम चेहरे से भारी भरकम आवाज वाले हमजा अब्बासी ने जब नेमल खावर से शादी की तो हमारी न्यूज फीड को पूरे दो हफ्ते तक अपनी शादी की तस्वीरों से भरे रखा और ये मिसाइल कायम की कि देखो शादी सादगी से भी हो सकती है। चलो 20 फंक्शंस में 20 करोड़ लगा के सादगी की बात करना सिर्फ हिपोक्रेसी है, कुछ नहीं। फिर हमजा की बुड्डी नेमल खावर ने शो बिज छोड़ने की जो ब्रेकिंग न्यूज दी तो जिसपे सारी आवाम शुरू हो गई कि हाय हाय बुड्डी ने घर ही बिठा दिता सू, कम छुड़वा दिता सू। और फिर कुछ दिन पहले हमजा अब्बासी ने www.youtube.com पर एक वीडियो अपलोड की जिसमें उसने कहा कि भाई मैं बेगैरतियां नहीं करनी है, मैं कोई फहाश काम नहीं करूंगा, मैंने अब सिर्फ वो करना है जिसमें मेरा दीन मुझे इजाजत दे। इन शॉर्ट वो बंदा अपने दीन के लिए काम करना चाहता है, जो कि बहुत अच्छा फैसला है। अब हमारे लोग जो है ना, जिनमें लोगों को जज करने का इतना बड़ा कीड़ा मौजूद है जो किसी इंसेक्ट किलर स्प्रे से तो मर ही नहीं सकता, इनके अंदर के कीड़े को सिर्फ कमर के नीचे वाले एरिया पर जूतों को भिगो के मारने से ही मर सकता है। वो फेमस सेलिब्रिटीज जो दूसरों को जज ना करने का ज्ञान बांट रहे होते हैं, उन्हें मैंने खुद हमजाली वासी पर घटिया और डिस्गस्टिंग जुते करते हुए फखर महसूस करते हुए देखा है। भाई हमें ऐसा क्यों लगता है कि वंस अ बगैरत ऑलवेज अ बगैरत? हम लोगों का ना एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि जब कोई 2.5 इंच के कपड़े पहन के अपनी कमर लचकाए तो वो हमें जहर लगता है, लेकिन अगर वो ये सब कुछ छोड़ के दीन के रास्ते पे चल पड़े तो वो हमें इससे भी ज्यादा जहर लगता है। अब जुनैद जमशेद की मिसाल ले लो, अपने करियर फेम और पैसे की पीक पर सिंगर करियर को लात मार दी और दोबारा पलट के भी नहीं देखा। जुनैद जमशेद को शायद इतनी जजमेंट फेस नहीं करनी पड़ी क्योंकि तब इंटरनेट और इंटरनेट पे कैंसर फैलाने वाले लोग मौजूद नहीं थे। वीना मलिक ने भी रज के करतूत घोले, कभी बिग बॉस में अश्विन के सर की मालिश करती पाई गई, कभी इंडिया में अपनी शादी का कॉन्टेस्ट कराते हुए दिखाई गई, कभी अपने सारे सासी जाहिर करके किसी थर्ड क्लास मैगजीन के कवर पर बॉम्ब चबाती हुई नजर आई। लेकिन अब जबकि वो सुधर चुकी है, अल्लाह ने जब उसको हिदायत दे दी है, अब अगर वो बंदी अपने मुल्क और मजहब के बारे में कोई ट्वीट करती है तो हमारे ही लोग उसको कॉमेंट्स में उसका माजी याद दिला रहे होते हैं कि देख तूने अपने पास में ये सब कुछ किया था इसलिए तुझे तो तेरे मरने तक हम ये बातें याद करवाते ही रहेंगे। बेशक तू अपने कामों से तौबा कर चुकी है, बेशक अल्लाह ने तुझे माफ भी कर दिया, लेकिन हमने तुझे माफ नहीं किया। अब देख मरने के बाद तो अल्लाह ने तुझे जज करना है, लेकिन मरने से पहले हम तुझे जज करेंगे। अब सेम हमजा अली अब्बासी के साथ भी होगा, उसकी लेटेस्ट वीडियो के बाद लोगों ने उसको मौलवी कहना तो शुरू कर ही दिया है, वो भी ऐसे जैसे मौलवी होना कोई इंसल्टिंग बात हो, कोई ताना हो, कोई तंज हो। उसकी बीवी के इंस्टाग्राम पर लोगों के कमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे कि मौलवी बन गया तो अपनी बुड्ढी को पर्दा करवा। अगर उसने पर्दा करना शुरू कर दिया तो यही लोग कहेंगे कि देख जरा बीवी को कैद कर दिया इस एक्सट्रीमिस्ट ने। यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे हमजा अली अब्बासी में ना हमेशा एक कॉमन आदमी नजर आया है। वो बंदा दीन पर चलना चाहता है पर कोई ना कोई बात, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई कमिटमेंट, कोई मजबूरी उसको वो करने पर मजबूर कर देती है जो उसको नहीं करना चाहिए। हम लोग कहते हैं कि भाई टैक्स दो, पर क्या हम खुद टैक्स देते हैं? हम कहते हैं कि बिजली चोरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारे घर के एसी चोरी की हुई बिजली पर ही चलते हैं। हम गली में पड़े कचरे से तंग है पर हम अपना कचरा भी गली में ही फेंकते हैं। तो अगर हमजा को मुनाफिक कहा जाएगा तो मुझे लगता है कि हम सभी मुनाफिक हैं। हमारा दोगलापन तो प्राइवेट है पर उसका दोगला होने पर बातें सुननी पड़ती हैं क्योंकि वो पब्लिक फिगर है। अब पब्लिक फिगर होना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, अगर आपका थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस हो वो भी बहुत होता है। मैं ना आज एक दिल की बात बताती हूँ, मेरी जो 1-2 लाख ऑडियंस है ना जो मेरी वीडियो देखती है, मुझे लगता है कि मेरे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बनने के बाद ना मुझसे सवाल किया जाएगा कि अल्लाह ने तुम्हें आवाज दी, प्लेटफॉर्म दिया, लोग तुम्हें सुनते थे, तो तुमने 1-2 लाख ऑडियंस का क्या कर लिया? क्या कोई काम की बात की या बैठ के सिर्फ जुकते मारी है और वक्त जाया किया? हर इस बात से मुझे डर लगता है, इसलिए कोशिश करती हूँ कि जहाँ भी अल्लाह की बात मेंशन कर सकूँ वहाँ मैं जरूर करूँ। लेकिन खैर मुझे हमजा के इस फैसले से बहुत खुशी है, अल्लाह उसको कामयाबी दे और जजमेंटल लोगों को थोड़ी
शक्ल दे ताकि वो दूसरों से पहले खुद अपने आप को जज कर सके। खैर तुम बताओ इस सारे सीन में तुम्हारी क्या राय और जजमेंटल लोगों को तुम क्या कहना चाहोगे नीचे कमेंट्स में लिखो। आज के लिए बस इतना ही था। अब जाते जाते यू डिक्शनरी डाउनलोड करते जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेरी लास्ट वीडियो ये रही, यहाँ देखो सब्सक्राइब यहाँ करो। मेरा दूसरा चैनल है गोल रोटी, उसको भी सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो कौन सी होनी चाहिए मुझे भी बताओ और मैं मिलती हूँ तुमसे 3 दिन बाद एक नई वीडियो के साथ।